फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार बच्चों में तो कई बार बड़ों में भी चिकन पॉक्स के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता, ये शरीर पर बहुत ही बुरे तरीके से हावी हो जाती है और इस बीमारी के अंतर्गत हमारे शरीर पर छोटे छोटे पानी से भरे फोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। इस बुखार के अंतर्गत हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बुखार होता है और बहुत ज्यादा कमजोरी भी आ जाती है। इसी के साथ साथ शरीर में बिल्कुल भी चलने या फिरने की ताकत नहीं रहती है, जोड़ों में काफी ज्यादा दर्द होता है। अगर किसी को चिकन पॉक्स होता है तो यह भी पूरे तरीके से सत्य है कि आपको अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही चिकन पॉक्स होता है। अगर आपको एक बार चिकन पॉक्स हो चुका है तो आपको दोबारा कभी भी चिकन पॉक्स नहीं सताएगा, और अगर आपको नहीं हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो उसमें होने वाली खुजली और पीड़ा से बचने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो चिकन पॉक्स के अंदर नहाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती है, इसीलिए आप पानी के अंदर बेकिंग सोडा को घोलकर उसी से अपने बदन को पोंछ सकते हैं। ऐसा करने से कीटाणु काफी ज्यादा नष्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो नीम के पत्तों का सहारा भी ले सकते हैं। जिस भी बिस्तर पर चिकन पॉक्स का रोगी सो रहा है उस बिस्तर पर नीम के पत्ते बिछा दीजिए और उसके नहाने के पानी के अंदर भी नीम के पत्तों को डाल दीजिए। ऐसा करने से शरीर से सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपके शरीर पर छोटी माता ने प्रहार किया है और आपके शरीर पर थोड़ा बहुत बुखार है तो उसे उभारने के लिए आप खमीर का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह आपके पूरे बुखार को पूरे तरीके से शरीर से बाहर निकाल देता है। इसी के साथ साथ खाने पीने पर ध्यान रखिए और बहुत ही लाइट वेट खाना खाइए। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी बिल्कुल ना रहे। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।